हैं, अब आप हम क्या चाहते हैं आपसे और क्या चाहेंगे? हमारे बच्चे हैं जो हम करें, वो आप कीजिए। जुलाहे का बेटा जुलाहा होता है, लोहार का बेटा लोहार होता है, पंडित का बेटा पंडित होता है। आपको भी वो करना चाहिए, जिस परंपरा पर हम चले हैं उसी परंपरा पर आपके कदम बढ़ने चाहिए। हमने ऋषि परंपरा अख्तियार की है, ऋषियों का वंश खत्म हो गया, ब्राह्मण का वंश खत्म हो गया, साधु का वंश खत्म हो गया। साधु तो 80 लाख है, नहीं भाई साधु थोड़ी है, ये तो स्वामी जी हैं, बाबा जी हैं, संत नहीं। संतों की पहचान अलग होती है, संत जब होते हैं तो दुनिया को हिला देते हैं। गांधी ने दुनिया को हिला दिया था, बुद्ध ने दुनिया को हिला दिया था, कबीर ने दुनिया को हिला दिया था, समर्थ रामदास ने दुनिया को हिला दिया था, रामकृष्ण परमहंस ने दुनिया को हिला दिया था। संत बड़े ज़बरदस्त होते हैं, संत पाते रहे और गांजा पीते रहे, कई ऐसे संत होते हैं, क्या नहीं ऐसे संत। इसलिए हमने संत परंपरा की ओर कदम बढ़ाया, ब्राह्मण परंपरा की ओर कदम बढ़ाया, आप भी कदम बढ़ाइए। ब्राह्मण अपरिग्रही होता है और संत सेवाभावी होता है, बस दो कसौटियाँ हैं। ब्राह्मण वो जिसके पास संपदान हो और संत वो जो निरंतर सेवा काम में लगा रहे, इन दोनों की परिभाषा यही। हमने अपने लिए यही रास्ता अख्तियार किया और आप लोगों से प्रार्थना की कि आप लोगों से जितना भी कुछ बन सके, कदम उठाना संभव हो सके, उतना आप करें। अपने निजी महत्वाकांक्षा में काट छाट करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी विलासिताएं बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छाएं बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छाएं कम होनी चाहिए। औसत नागरिक के हिसाब से, हिंदुस्तान का औसत नागरिक जिस हिसाब से अपना गुजारा कर लेता है, सांसारिक जीवन आपका लगभग उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। बहुत धन जमा करेंगे, बहुत अय्याशी करेंगे, बहुत ना भाई साहब जी, ये शोभा नहीं देगा आपको, खासतौर से तब जब आप हमारी बिरादरी में शामिल होंगे तब। और महत्वाकांक्षाओं के अलावा एक और है, घर वालों का, घर वाले बढ़ाएंगे, क्यों तो आप बढ़ाते हैं बेकार, क्यों तो उनकी संख्या बढ़ाते हैं और क्यों उनको निकम्मा बनाते हैं। स्वावलंबी बनने दीजिए, जो हैं जो बड़े होते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा स्वावलंबन सीखने दीजिए, थोड़ा थोड़ा घर के काम काम में मदद करना सीखने दीजिए, थोड़ा थोड़ा उनको सुसंस्कारी बनाते चलिए, बस परिवार बाहर नहीं रहेगा। परिवार बाहर तो होता है जब आप उनको बैठ करके अपंगों की तरीके से खिलाना चाहते हैं और बहुत सारा धन दौलत उनके लिए छोड़ जाना चाहते हैं, तब परिवार बाहर हो जाता है। आपके ऊपर परिवार भार नहीं हो सकता, आपके ऊपर आपका गुजारा भार नहीं हो सकता, भार तो केवल आपकी महत्वाकांक्षा है, ऐसा है, इसको आप कम कर लें तो फिर आप हमारे साथ में जल्दी जल्दी चल सकेंगे। फिर आप थोड़ा हमारा हाथ बटाना शुरू कर दीजिए। हाथ तो आप बटाते रहे, पर वो बटाने के लिए एक शिकायत है हमको कि क्रमबद्धता नहीं है। जब आपको उत्साह गया तो आपने छलांगें लगाई, और जब आपका उत्साह ठंडा हो गया तो मगर की घड़ियाल की तरीके से पानी में जा बैठे। नहीं भाई साहब, ये नहीं, ये पानी के बुलबुलों की तरीके से उछल कूद करना और फिर 2 मिनट बाद ठंडे हो जाना, ये कोई शोभा की बात है, ये कोई शान की बात है, ये कोई इज्जत की बात है। चलना है तो चलना ही है, चलना है तो चलना ही है, चलते ही रहेंगे आपको, और आपको चलते ही रहना चाहिए। दूध में झाग आते हैं और वो एकदम मालूम पड़ता है कि ये गिरे और वो सारा बर्तन भरा और पानी की बूंदें डाली और ज़मीन पर जा बैठता है दूध, ये शोभा देता है आपको? नहीं। हमारी ज़िंदगी को देखिए ना आप, गांधी को ज़िंदगी को देखिए ना आप, विनोबा की ज़िंदगी को देखिए ना आप, संतों की ज़िंदगी को देखिए ना आप, वो सब जिस दिन संकल्प लिया उस दिन से अखिली दिन तक बने रहे और अखिली दिन तक चले, बीच बीच में से वो भागे नहीं है। बीच बीच में से भाग जाएंगे तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा, बीच बीच में से भाग जाएंगे तो आप बड़ा मुश्किल पड़ेगा। पहले तो आप कहें एक था बैल, ढां ढां ऐसे ऐसे करता था, तो उन्होंने पूछा क्यों क्यों भाई साहब, क्या बात है क्यों? अरे साहब, सामने वाला बैल कभी आएगा तो बहुत जोर टक्कर मारूंगा। जब एक बहुत मोटा तगड़ा बैल सामने आ गया टक्कर मारने के लिए, तब वो गोबर करने लगा। लोगों ने पूछा क्यों भाई साहब, क्या बात है, ये कैसे गोबर करते हैं? तो उन्होंने कहा डर लगता है, जब आपका उत्साह आता है, उमंग आती है, जब कभी भी कोई लेख पढ़ लेते हैं, कोई हमारे संपर्क में आते हैं तो आपका उत्साह बड़ा हो जाता है, और जैसे ही फिर आप अपने घर गृहस्थी काम में लगे उस बात को छोड़ देते हैं। ना भाई साहब, ये मत कीजिए, या कीजिए तो पूरा कीजिए, न कीजिए तो मत कीजिए, थोड़े शुभारम्भ करना बंद कर देना, ये क्या सामने, ये क्या शोभा आपकी, बस ये इसी तरह से कहता हूँ। हमारी ज़िंदगी एक रास्ते पर एक निष्ठ होकर के, जैसे अर्जुन को लक्ष्य दिखाई पड़ता था, हमको उसी तरीके से दिखाई पड़ा है और उसी तरीके से काम में लगे रहे हैं।
आप भी जितना त्याग कर सकते हो, बलिदान कर सकते हो, समय के युग संधि की बेला में जितना भी कुछ अपने आप को जो आपसे बनता हो कि हम समय के लिए, युग के लिए, महाकाल के लिए कुछ त्याग कर पाएंगे, तो आप उसको करने का संकल्प कर लीजिए, उसको निभाते रहिए, छोड़िए मत, बीच में छोड़ देते हैं तो बुरी बात, ढीले हो जाते हैं तो बुरी बात है, ये शानदार बात नहीं है। शानदार आदमी एक जैसे रहते हैं, एक निष्ठ रहते हैं, एक मन रहते हैं, एक संकल्प लेके रहते हैं, एक चाल चलते हैं, चाहे धीमी चाल हो चाहे तेज चाल हो, बस चलते ही रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। बस यही आपसे मुझे कहना था। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संग।